इसलिए अब हमारे लोगों के साथ एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोगों के साथ अगर कोई मनुवादी जुल्म करना चाहे, हमला करना चाहे, तो इस बात का ख्याल रखे कि केस उस इलाके से ट्रांसफ़र भी हो सकता है। ये बड़ी सफलता होगी। ये एक हमने आपको दिखाया ना, भारत के संविधान से विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। अगर हम जैसा कोई वकील आ गया फिर क्या होगा, ये सोच के अत्याचार किया। ईमानदार अम्बेडकरवादी वकीलों का जो ये गठजोड़ है ना, ये किसी भी खतरे को, किसी भी हमले को टैकल करने में कामयाब रहेगा। ऐसा वकील साहब, आप लोगों को आज एक बड़ी सफलता मिली है हाथरस केस वाले में, क्या था वो पूरा मामला? देखिए, एक शरूल का समाज के व्यक्ति थे जिनकी जो धरती और घर दोनों, उनके पड़ोसी जो कि सो कॉल्ड अपने आप को स्वर्ण कास्ट से बताते हैं और अपने आप को समझते हैं, वो क्योंकि उनका उनके संबंध भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे ऊंचे ओहदों पे बैठे हुए लोगों से हैं, उन्होंने उनकी उनके घर पे अटैक किया, उनके बूढ़ी माँ बाप को, बच्चों को, भाइयों को, सबको मारा, मार मार के अधमरा कर दिया, ऑलमोस्ट मरने के कगार पे छोड़ दिया। उसके बाद उनको भाग के दिल्ली आना पड़ा और वो पिछले 2.5-3 साल से दिल्ली ही रह रहे थे पूरा परिवार। तो ये जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, ये इसलिए ये सब अत्याचार और दुराचार एट्रोसिटीज़ कर पाते हैं क्योंकि इनको पता होता है कि हमारे पास पूरी सेटिंग है, सब जगह प्रशासन, पुलिस, यहाँ तक कि जुडिशरी के जो जजेस भी हैं कुछ, वो भी उनके दबाव में रहते हैं। तो उनको ये पता होता है हम कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसीलिए ये करने की, इतने बड़े बड़े अत्याचार करने की हिम्मत और हौसला होता है। तो हमने आज एक केस, वो जो राम स्नेही साहब का है और राम जो नरेश साहब हैं, उनके केस जो है हमने दिल्ली ट्रांसफ़र करा लिया, वो कड़कड़डूमा में चलेगा। तो वो जो सारा डर, दबाव और भय का माहौल था और जिससे हौसला मिलता है कि हम ये करेंगे और बच जाएंगे, वो आज एक केस में ख़त्म हुआ है। अब यहाँ ट्रायल होगा तो इंसाफ होने की उम्मीद हमें पूरी है और इससे एक मैसेज भी जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में, नहीं पूरे देश में। अगर आप ये सोचते हो कि आपकी पूरे अपने एरिया में दबदबा है, आप एकदम डाउन हो वहाँ पे, तो ये भूल जाओ, केस ट्रांसफ़र भी होता है, केस ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो ये इस बात से डर के कि अगर केस ट्रांसफ़र हुआ तो आपके ना लोकल पुलिस काम आ पाएगी, ना लोकल DM, सरकारी अधिकारी, ना जो आपकी सेटिंग है ना वहाँ पे, वो काम नहीं आ सकेगी। इसलिए अब हमारे लोगों के साथ, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोगों के साथ अगर कोई मनुवादी जुल्म करना चाहे, हमला करना चाहे, तो इस बात का ख्याल रखे कि केस उस इलाके से ट्रांसफ़र भी हो सकता है। ये बड़ी सफलता हुई। तो सर, क्या दादागिरी चलती है? ये जो न्यायालय होते हैं लोकल में, जो कोर्ट होते हैं, जिला न्यायालय, यहाँ भी दादागिरी नहीं? जब सुप्रीम कोर्ट के 4 sitting judges ये कह सकते हैं हम पे दबाव है, तो आप लोकल जो जजेस होंगे, दादागिरी पर दादागिरी और पता नहीं कौन कौन सी लगड़ दादागिरी भी चलती है। तो फिर कैसे न्याय की उम्मीद की जाए सर? ये एक हमने आपको दिखाया ना, भारत के संविधान से विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, किसी भी हालत में हमें अपना हौसला नहीं छोड़ना है। अब ये हो गया ना उसका तोड़, अब क्या करेंगे वो? अब तो दिल्ली में होगा ना, अब तो न्याय होगा, बराबर की बात सुनी जाएगी दोनों पक्षों की, अब आप देखेंगे क्या। सब लोग तो अपना ट्रांसफर नहीं करवा सकते ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि ऐसे ऐसे केसेस जो हैं पूरे सब जगह मैसेज, कोई आ सकता है ना हमारे पास गलती से, और भी तो यही सोच के मनुवादी होशियार रहें कि ये जो अभी जो हरियाणा में किया है, ये भी तो आ सकते हैं हमारे जैसे किसी वकील के पास, फिर क्या होगा? जैसे मनुवादी डराते हैं ना कि हमारे पास अमित शाह जी की ताकत है, हमारे पास ये ताकत है, वो ताकत है, तो हमारे लोगों के पास भी हमारे जैसे मजबूत वकील हैं। अगर हम जैसा कोई वकील आ गया फिर क्या होगा, ये सोच के अत्याचार किया। लोगों को कानून का डर नहीं होता क्या? मैं कानून का तो मैंने आपको बताया ना कि सब जो दबाव की राजनीति चल रही है, जो हर एक संस्थान को ख़त्म करने की जो एक मनुवादी कर रहे हैं कोशिश, उसकी वजह से डर निकल जाता है। लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, फिर भी भारत के संविधान में इतनी ताकत है कि हम जैसे वकील अगर आ गए तो ये समझ लें फिर जो है ये सब सेटिंग नहीं चलने वाली। तो दिल्ली में न्याय पक्ष होगा सर यहाँ पर? देखिए, अब आपके सामने ही होगा जो होगा। आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो कड़कड़डूमा में केस चलेगा, आए और देखे क्या होगा, क्या होगा। लेकिन सर, ये सब लोग जेल जाएंगे और लंबे टाइम के लिए जाएंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील है दुष्यंत, उन्होंने कहा कि अदालत सरकार से टकराना नहीं चाहते, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ ना, फिर भी ये हालात दवे साहब की है, उनकी ओपिनियन की मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन फिर भी भारत के संविधान से अपना विश्वास नहीं तोड़ना है। मैं बार बार कहता हूँ 20% अदालतों से रिलीफ मिलेगी, 80% हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करके, सड़कों पे उतर के, शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करके, जो संवैधानिक तरीका है उससे मिलेंगे 80% न्याय। तो दवे साहब वकील हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो हैं हम सड़क पे उतर के भी काम करते हैं, आप जैसे लोग जो हैं सड़क पे तो उतर के काम करते हैं, आप ईमानदार पत्रकार हैं, तो ये दोनों काम जो गठजोड़ है ना, जनता
के पीसफुल प्रोटेस्ट का और वकीलों का, ईमानदार अम्बेडकरवादी वकीलों का जो ये गठजोड़ है ना, ये किसी भी खतरे को, किसी भी हमले को टैकल करने में कामयाब रहेगा, ऐसा नहीं लगता आप लोगों को सर? डर लगता है, अल्लाह से डर लगता है कि अगर हम मजलूमों के साथ नहीं खड़े हुए तो हमारा अंजाम बहुत बुरा होगा, अगर हम अत्याचार के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो हमारी जो बहुत बड़ी दुर्गति हो सकती है, इससे बहुत डर लगता है मुझे, मुझे तो लगता है, इसीलिए तो मैं खड़ा होता हूँ। चाहे कितना भी दुनिया में अमित शाह साहब हो या दूसरे लोग हैं मुझे मारने की कोशिश करें, जेल भेजने की कोशिश करें, फिर भी मैं अल्लाह से ज़्यादा डरता हूँ, अल्लाह से ही डरता हूँ। तो उस डर के मारे कि मुझे ड्यूटी लगी है, मेरे अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मजलूमों के साथ, कमज़ोरों के साथ खड़े होना है, भले ही तुम्हें अपनी जान की बाजी क्यों ना लगाए, मैं बहुत डरता हूँ भाई।